स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस्लामिक उपदेशक और भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान की राजकीय यात्रा पर है इन दिनों। यात्रा का मकसद जाकिर के जरिए भारत पर निशाना साधना था, लेकिन अब जाकिर नाइक से इस्लामिक देश पाकिस्तान के ही लोग खुश नहीं दिख रहे हैं और जमकर विरोध कर रहे हैं। जाकिर के कई बयान ऐसे हैं जिसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी है, आपत्तियां हैं। सोशल मीडिया पर इस कारण जाकिर नाइक ट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान के ही लोग अब जाकिर नाइक को वहां से वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। जाकिर नाइक का पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। भारत के भगोड़े पर पाकिस्तानी ही बुरी तरह भड़क गए। जाकिर नाइक को पाकिस्तान से निकालने की मांग हो रही है। पाकिस्तान के राजकीय दौरे पर भगोड़ा जाकिर नाइक है, स्टेट गेस्ट बनाया गया, और राजकीय यात्रा पर पहुंचे जाकिर नाइक जो कि भारत में मोस्ट वांटेड है, भगोड़ा है, गंभीर आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप है, हेट स्पीच जैसे आरोप है, और पाकिस्तान ने कट्टरपंथी तबलीगी जाकिर को मेहमान बनाया। 28 दिनों के दौरे पर जाकिर नाइक बतौर सरकार का मेहमान बनकर पहुंचा। जब पहुंचा था तब वहां की सरकार ने रेड कारपेट वेलकम किया, लेकिन अब वहां की जनता ने जाकिर नाइक का विरोध करना शुरू कर दिया। जाकिर नाइक को फिर वापस भेजने की मांग हो रही है। जाकिर जो अपने जहरीले भाषण से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, अब पाकिस्तान में भी उसकी दाल नहीं गल रही है। जाकिर के विरोध की वजह आखिर है क्या, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जाकिर के विरोध की वजह सबसे पहली महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक के बेतुके बोल। महिला की शादी नहीं होने पर अजीब तर्क देता है। शादी करने के लिए महिला के पास दो विकल्प, जाकिर नाइक कहता है कि दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, महिला ऐसे मर्द से शादी करे जो शादीशुदा हो, और दूसरा विकल्प कि महिला बाजारू औरत बन जाए। शादी ना करने वाली महिला पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये घटिया सोच पाकिस्तान की जनता भी इसका विरोध करने लगी है, और महिलाओं को लेकर ये बेतुके बोल और घटिया बोल पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और भारत को लेकर लोगों ने क्या कहा? जाकिर नाइक के भाषणों से परेशान एक यूजर ने तो यहां तक लिखा, एक महिला के सवाल का जवाब देते हुए बहुत ही संरक्षणवादी लग रहे हैं, यहां तक कि वो धार्मिक रूप से चरमपंथी समाज जहां भीड़ ईष्निंदा के आरोपियों को पीट पीट कर मार सकती है, उनके सामने वो एक लड़की पर ईष्निंदा का आरोप लगा रहे हैं। ये जाकिर नाइक हमारा देश कब छोड़ेगा? एक पाकिस्तानी का ये अपोस्ट है। हफ्सा अकरम नाम की एक यूजर ने लिखा, अगर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया होता तो हमें कैसे पता चल पाता कि भारत में उसके प्रवेश और उसके पीस टीवी दोनों पर प्रतिबंध लगाना सही था। तो भारत ने जो प्रतिबंध लगाया उसकी पैरवी अब पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, और सीधे सीधे कह रहे हैं कि अनपढ़ जाकिर को ना बुलाएं। अनपढ़ जाकिर नाइक को बुलाने को लेकर एक यूजर ने कहा, जाकिर को किसने आमंत्रित किया? कृपया अगली बार ऐसे अनपढ़ लोगों को आमंत्रित ना करें। जाकिर नाइक का ज्यादातर विरोध उसके दो बयानों के कारण हो रहा है। पहला, जिसमें वो एक लड़की को अपने सवाल पर माफी मांगने को कहता है, और दूसरे में वो महिलाओं की शादी को लेकर बयान देता है। और बयान कैसा कहता है कि जिसकी शादी नहीं होती है जिस महिला की, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। दो विकल्प होते हैं महिलाओं के पास अगर शादी नहीं होती है, एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ले और या फिर बाजारू औरत बन जाए। अब आइए जहरीले जाकिर नाइक का वो बयान सुनाते हैं जिससे पाकिस्तान आवाम और महिलाएं बेहद नाराज हैं। सुनिए। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज़। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे
अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजार या औरत बनो